नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायतों में निरीक्षण के बारे में। बिहार में पंचायतों के विकास कार्य को लेकर सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिससे कि पंचायतों का विकास किया जा सके। ऐसे में अब अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है, जिसमें कि पंचायतों का चयन सरकार करेगी, ताकि स्थानीय स्तर पर कोई पूर्व प्रबंधन नहीं कर सके। ऐसे में सरकार की तरफ से बुधवार और गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया है, जिसमें फील्ड विजिट का भी दिन निर्धारित किया गया है। इस दिन पंचायतों का निरीक्षण किया जाएगा। ऐसे में सरकार की तरफ से जिलाधिकारियों को निरीक्षण कार्यक्रम का एक पूरा डाटा पेश करना होगा, जिसमें कि कई तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि अगर स्कूल सुबह में चल रहा है तो आप सुबह में जाएं, ताकि आंगनवाड़ी केंद्र की जांच हो सके। बता दें कि इस दौरान अधिकारी शिक्षण की गुणवत्ता को लेकर कम से कम 20 मिनट तक कक्षा में बैठकर देखेंगे कि साथ ही साथ इस बात का भी मूल्यांकन किया जाएगा कि स्कूल में छात्र और शिक्षक के बीच में पढ़ने और पढ़ाने का तरीका कैसा है। साथ ही साथ अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि सभी विजिट कार्यक्रमों के फोटो भी खिंचवाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ स्कूल में मिल रही सुविधाओं के बारे में ग्रामीणों से राय भी लिया जाएगा। इन सभी रिपोर्ट को आधिकारिक फोटो के साथ विभाग के पास जमा करेंगे। बिहार में अब इन चीज़ों का हो रहा है निरीक्षण। इसके आगे हम विस्तार से जानेंगे। हर घर नल जल योजना की स्थिति और उसका रखरखाव, जलापूर्ति का पूरा विवरण, पानी के रिसाव की निकासी की व्यवस्था, ग्रामीणों से फीडबैक जो है इस दौरान लिया जाएगा। पक्की नाली गली स्थिति और उसके रखरखाव की स्थिति के बारे में जाना जाएगा। सड़क की स्थिति, नाली के टेल एंड एंड यानी कि उसकी जो शुरुआत की स्थिति है और उसकी आखिरी की जो स्थिति है वो किस तरह की है, इसका पूरा विवरण वहाँ लिया जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल छात्रों, शिक्षकों की उपस्थिति, भवन की स्थिति, लड़कों लड़कियों के शौचालय, पेयजल, बिजली, ड्रेस, किताबें, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, साइकिल, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला, मध्याह्न भोजन समेत सभी सेवाओं की गुणवत्ता की जांच इस दौरान की जाएगी। एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक छात्रावास में भवन, बिजली कनेक्शन, पानी का आपूर्ति कनेक्शन, बिस्तर, शौचालय, रसोई, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय और अन्य सुविधाओं की भी इस दौरान जांच की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में मिलने वाले जैसे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर, दवाइयां, उपकरण, बिस्तर, शौचालय, भवन की स्थिति, बिजली कनेक्शन, जलापूर्ति कनेक्शन आदि की स्थिति की इस दौरान जांच की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र में स्टाफ और बच्चों की उपस्थिति, भवन, शौचालय, बिजली, पोषण कार्यक्रम, गर्भवती, कुपोषित एवं वजन के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार, ड्रेस, प्री स्कूल लर्निंग एवं अन्य सुविधाओं की इस दौरान जांच की जाएगी। इसी दौरान यह कहा गया है अधिकारियों की कि आप जो है आंगनवाड़ी केंद्र में कम से कम क्लास में 20 मिनट बैठकर यह देखेंगे कि बच्चों के साथ शिक्षकों का कैसा संबंध है। सभी वृद्धाश्रय पेंशन योजनाओं के विवरण की स्थिति की जांच की जाएगी। पीडीएस खाद्यान्न भंडार का निरीक्षण, खाद्यान्नों की गुणवत्ता, खाद्यान्नों के वितरण और POS सिस्टम की स्थिति, यानी कि जहाँ पे एक तरह से कह लें कि सरकार की तरफ से जो अनाज दिया जाता है उस खाद्यान्न केंद्र की जो है गुणवत्ता की जांच जो है अधिकारियों को दिया गया है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति की जांच की जाएगी। खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा, जैसे कि खाद का खरीद केंद्र है, इसका जो है निरीक्षण किया जाएगा। बीज का निरीक्षण किया जाएगा। मनरेगा की योजनाओं का जिक्र किया जाएगा, किन किन जगहों पर मनरेगा की योजनाएं चल रही है, वहाँ मजदूरों की क्या स्थिति है, कितने दिनों का काम मिलता है और पेमेंट जो है क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों की जाँच की जाएगी। समस्त ग्रामीण आवास योजना की इस दौरान जाँच की जाएगी। पंचायत सरकार भवन, जो कि मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक माना जाता है, इसकी भी जांच की जाएगी। इन सब के अलावा भू राजस्व मामलों की स्थिति, जिसमें कि म्यूटेशन, जमाबंदी, लगान रसीद, बंदोबस्ती रिकॉर्ड और डाटा एंट्री, भू राजस्व मामले से संबंधित तमाम मुद्दे और उनके शिकायतों की जांच जो है इस दौरान की जाएगी। इसका पूरा काला चिट्ठा जो है एक तरह से कह लें कि पूरा विवरण जो है वो सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि ये पता चल पाएगा कि पंचायतों में किस तरह के काम चल रहे हैं और किस तरह के और नए काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ शिकायतों पर कैसे सुनवाई होना है, इन सारी चीज़ों का विवरण जो है आने वाले दिनों में अधिकारी सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।